टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में सिक्योरिटी एक अहम हिस्सा है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोगों की मदद के लिए जरूर बनाई जा रही है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो ये किसी डिस्ट्रॉयर से कम नहीं है। और ऐसी ही सोच के साथ टेक कंपनी गूगल एक पॉलिसी अपडेट लेकर आई है, जिसके तहत कंपनी 2 साल से ज्यादा समय से इनएक्टिव पड़े जीमेल अकाउंट्स को बंद करने जा रही है। कंपनी ने इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी को अपडेट करते हुए बताया कि जीमेल यूजर्स को स्पैम, फिशिंग और अकाउंट हाईजैकिंग जैसे खतरों से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। कंपनी का मानना है कि जो अकाउंट्स लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ होने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में क्रिमिनल्स इन अकाउंट का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी कर सकते हैं। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी 16 मई से लागू हो चुकी है, लेकिन तुरंत इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट नहीं किया जाएगा। कंपनी दिसंबर 2023 से इस तरह के अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू करेगी। जीमेल अकाउंट डिलीट होने के साथ ही यूजर्स मेल, गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, गूगल फोटोज सहित उस अकाउंट से जुड़ी गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस पॉलिसी के तहत सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स ही डिलीट होंगे। कंपनी या फिर किसी स्कूल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिजनेस के अकाउंट्स को डिलीट नहीं किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको बिना बताए ही आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी, बल्कि गूगल बकायदा अपने यूजर्स को अकाउंट डिलीट करने से पहले कई बार नोटिफिकेशन भी भेजेगा। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आप अपने अकाउंट को एक्टिव कैसे रख सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अपने जीमेल अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको 24 महीनों में कम से कम एक बार इसमें साइन इन करना तो जरूरी है। गूगल का कहना है कि अगर यूजर गूगल अकाउंट से किसी भी सर्विस के लिए साइन इन करता है तो उसका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और उसे डिलीट भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप अकाउंट से मेल भेजकर, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके या किसी अकाउंट के जरिए कहीं और साइन इन करके अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहे ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट किया जाएगा और आर्काइव में उन्हें डाला भी जाएगा। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब टेक सिक्योरिटी के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, जिससे लोगों के अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल होने से बचाया जा सके। तो अगर आपका भी ऐसा कोई गूगल अकाउंट है जो इनएक्टिव पड़ा है या आपने उस पर कोई एक्टिविटी नहीं की है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपके काम की लगी तो इसे सेव भी करें और शेयर भी करें, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।